आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई प्रश्न पूछने हैं हमसे तो पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा मैम एक सवाल है, बहुत छोटा सा है लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। आजकल की बच्चियां, हमारी लड़के ही नहीं बच्चियों के लिए मैं बोलूँगी कि वो नशे की तरफ जा रही हैं। आप मुझे बताएंगे कि उसके लिए हमें क्या क्या उचित कदम उठाने चाहिए। प्रश्न मैडम बहुत ही आज के टाइम में बहुत अच्छा जो मुद्दा आपने उठाया कि जो नशाखोरी है हमारी युवा पीढ़ी को कितना डैमेज कर रही है, तो इस चीज़ के लिए हम अपने बच्ची का, अपने बच्चों का, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, इसका किसी का दोष हम नहीं मानते। बच्चा अपनी माँ का, अपनी बाप का दोस्त बने, माता पिता अपने बच्चे का मित्र बने। जिस दिन आप अपने बच्चे का मित्र अच्छा बन गए तो बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम बच्चा स्कूल जाता है उसकी वापसी में कोई व्यवहार में कोई बदलाव दिखेगा तो माँ समझ आएगी मेरे बच्चे को कोई आज कोई बात ज़रूर है जो मेरा बच्चा नहीं बता रहा। हम अपने बच्चे की दोस्त बने, माँ बाप से ज़्यादा बच्चे का दोस्त और कोई नहीं हो सकता। अपने मन की वो बात कहे कि वो दूसरे नशा जो खोरी करने के लिए बैठे हैं हमारे समाज में, वो क्यों उसकी तरफ जाएगा, वो अपना सोल्यूशन वहाँ क्यों ढूंढेगा, वो अपना सोल्यूशन अपने घर में ढूंढेगा। परिवार प्रबोधन, हम एक दिन अपने बच्चों के साथ मिलकर बैठ कर खाना खाएं, क्योंकि आज के टाइम में हमारे जो दिन का 3 समय का भोजन है हम जल्दी जल्दी खाते हुए भागते भागते खाते हैं, जहाँ गाड़ी में बैठ के खाते हैं। हम अपने परिवार के साथ भोजन नहीं कर सकते। एक दिन हम अपने बच्चों के साथ सत्संग करें, चाहे वो मंगलवार को क्यों ना हनुमान चालीसा पढ़ें। सत्संग तो माता जी करती है मंदिर में जाके, नहीं जी आज हमारा फलाने दिन का सत्संग है। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ भी करें, उसको तभी वो हनुमान चालीसा आएगा, तभी उसको आरती आएगी। माता जी वो कर रही हैं अंदर पूजा, बच्चे उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। माता अपनी निष्ठा से काम कर रही है, अपने परिवार का प्रबोधन कर रही है, पर बच्चों को शायद इससे ज़्यादा हमें इंटरेक्शन करना पड़ेगा कि घर की जो हमारी व्यवस्था है, दिनचर्या है, उसमें हमें कितना टाइम अपने बच्चों को दिया, ये हमें अंदर पूछना है। जब हम दूसरे की तरफ उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं। पहले हमने घर से शुरू करना है, घर से शुरू करेंगे तभी परिवार से हमारा समाज की तरफ जाएगा। तो इसका सलूशन ये है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, सबका साथ सबका विकास, सब आपने बोला विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, अब की बार मोदी सरकार।